हरिद्वार से कांवड़ ला रहे शिव भक्तों की सेवा को शिव सैनिकों ने लगाया विशाल भंडारा। त्रिदिवसीय कांवड़ शिविर एवं विशाल भंडारे का हुआ उद्घाटन। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवसेना मुरादाबाद की ओर से जल अभिषेक के लिए कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए त्रिदिवसीय कांवड़ शिविर एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिवसेना के प्रांतीय एवं स्थानीय नेताओं सहित कार्यकर्ताओं एवं भारी संख्या में महानगर वासियों ने शिव भक्तों की सेवा की। इस दौरान शिव भक्तों के लिए जलपान एवं भोजन के साथ ही मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई। त्रिदिवसीय कांवड़ शिविर एवं विशाल भंडारे का मंगलवार की सुबह 10 बजे वैदिक रीति से पूजा करने के बाद राज्य उप प्रमुख डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, शिवसेना नेता शरद कपूर, प्रदेश सचिव अनिल मिश्रा, जिला प्रमुख मुरादाबाद गुड्डू सैनी, महानगर प्रमुख मुरादाबाद मनोज कुमार, बरेली जिला प्रमुख दीपक पाठक, बदायूं जिला प्रमुख मनीष यादव, पीलीभीत के जिला प्रमुख संजीव दुबे, जिला प्रमुख बिजनौर चौधरी वीर सिंह, युवा सेना जिला प्रमुख बिजनौर विजय मोहन गुप्ता आदि द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। शिविर एवं भंडारे का उद्घाटन होने के पश्चात पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों से विश्राम का आग्रह करते हुए उनकी सेवा की गई। पैदल यात्रा कर रहे शिव भक्तों के लिए मेडिकल सेवा का विशेष प्रबंध किया गया था। जलपान एवं भोजन के साथ ही शिव भक्तों के विश्राम की पूरी व्यवस्था शिविर में की गई है। शिव सैनिकों द्वारा शिविर को भोले बाबा के साथ ही बाबा साहेब ठाकरे जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के कटआउट पोस्टरों एवं भगवा झंडों से सजाया गया। शिविर का आयोजन मुख्य रूप से जिला प्रमुख मुरादाबाद गुड्डू सैनी, महानगर प्रमुख मुरादाबाद मनोज कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान राकेश कुमार प्रजापति, महानगर प्रमुख युवा सेना मोहम्मद कासिम, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कपिल देव, जिला अध्यक्ष प्रभारी ठाकुर दास सैनी, जिला महासचिव जिला अध्यक्ष उद्योग एवं व्यापार सेना समरपाल सिंह, मोहम्मद कासिम जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुरादाबाद, राजेंद्र कश्यप, तिलक सैनी अनिल कुमार, मुकेश वर्मा, रवि कुमार, मतीन खान, राजेश सैनी, रिंकू आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र है। यहाँ पर अभी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम है यहाँ पर। इसके उद्घाटन समारोह के लिए हमें बरेली से बुलाया है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। जो कांवड़िया यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि शिव के उपासक हैं और हमारी ये शिवसेना शिव जी के ही नाम से जानी जाती है, तो उनकी सेवा करना हमारा निमित्त धर्म भी है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब आप मेरे से आगे की जानकारी चाहें वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना बरेली का जिला प्रमुख हूँ, साथ में मंडल प्रभारी भी हूँ। जिला प्रमुख जी मुरादाबाद पहुँचे हैं, किस तरह का आयोजन भंडारे का किया जा रहा है, कितने दिन तक के भंडारे का आयोजन रहेगा? देखिए, शिवसेना परिवार मुरादाबाद की तरफ से 8 तारीख को जो महाशिवरात्रि है, उसमें जितने भी कांवड़ यात्री इस मार्ग से गुजरेंगे उनकी सुंदर स्वच्छ और अच्छे भोजन, रहने और चिकित्सा की व्यवस्था 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए समस्त शिवसेना परिवार मुरादाबाद बधाई का पात्र है कि वो ऐसे क्रम के अनुसार अपने को जन समाज के बीच में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और शिवसैनिक, शिव के भक्त और समस्त जनता के लिए हर समय तैयार रहने वाली स्थिति में ये शिवसेना के लोग हैं जो निरंतर जनता की सेवा करते हैं। गुड्डू सैनी, जिला प्रमुख सत्यना मुरादाबाद। आज यहाँ पे जो कांवड़ शिविर लगाया गया, कांवड़ शिविर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, उसमें उद्घाटन के लिए माननीय हमारे अनिल मित्रा जी, राज्य सचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, उनसे फीता कटवा कर इस भंडारे का आयोजन किया जाए। ये 3 दिवसीय है।